हेलो फ्रेंड्स, फोटोशॉप ट्यूटोरियल के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यह फोटोशॉप का पार्ट 10 वीडियो है, जिसमें हम लोगों को लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग फोटोशॉप ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको आएगा लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या है। तो इसके ऊपर बात करने से पहले हम लोगों को एक फ़ोटो इंपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग एक फ़ोटो इंपोर्ट कर दे रहे हैं। देखिए, मैंने एक फ़ोटो को इंपोर्ट कर दिया। अब सबसे पहले हम लोग को लासो टूल के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, मैं लासो टूल को सेलेक्ट किया और यहाँ इसका प्रॉपर्टी भी देखने को मिल रहा है। सेम उसी तरह है जिस तरह हम लोग रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ उसका ऑप्शन आता है। ये आपने अगर जो इसका वीडियो पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, तो जाकर पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए, तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छा आपको समझ में आएगा। तो चलिए, मैंने लासो टूल को सेलेक्ट किया। अभी में मेरा क्या सेलेक्टेड है इस पर ओवर करेंगे तो आपको इसका नाम लगेगा। बेसिकली ये भी न्यू सेलेक्शन में, बेसिकली आप इसको नॉर्मल सेलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन इस तीनों का मतलब ही है सिलेक्शन को करना। ये बेसिकली अलग अलग डिफरेंट के तरह सिलेक्शन करता है, बट इसका मेन मोटो है सिलेक्शन ही करना। तो मैं लासो टूल को सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ इसका प्रॉपर्टी आ रहा है। अभी हमें नॉर्मल सिलेक्शन को सेलेक्ट किया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस फोटो को सेलेक्ट करूँ, तो एक बार कहीं पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर इस फोटो को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर रहा हूँ। एक बार इस पर माउस से क्लिक करेंगे और क्लिक दबाए हुए आप यहां से यहां तक इसको लेकर जाएंगे, जहां तक आपको एरिया सिलेक्शन करना है वहां से आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहां से एक देखिए ये सिलेक्शन बनता हुआ चला जा रहा है। देखिए, आप एक बार क्लिक करेंगे और जहां जहां आपको लेकर जाना है वहां तक ले जाइए और इसको मिलाना है। तो यहां पर लेकर आएंगे तो एक छोटा सा सर्कल के टाइप का बनेगा, तो आप वहाँ पे छोड़ देंगे। तो देखिए ये ऐसा आ गया। और ऐसा नहीं है, आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक किए, एक बार क्लिक कीजिए और दबाए हुए आप माउस से इस तरह घुमाएंगे तो देखिए इस तरह ये सिलेक्शन हो गया। और आपको इसको सिलेक्शन करना है तो आप डबल क्लिक कीजिएगा या वहाँ से आप छोड़ दीजिएगा जहाँ पर आके, तो आपको यह सिलेक्शन हो गया। आप चाहते हैं कि इसको कॉपी करके या कट करके कहीं पे पेस्ट करें, तो उसके लिए आप फाइल पर टैप पर क्लिक कीजिए और न्यू फाइल लीजिए। यहाँ से हमें न्यू फाइल, ये देखिए ये न्यू फाइल मैंने ले लिया। अब देखते हैं कि यहाँ से ये सेलेक्टेड है। यहाँ से आप एडिट में जाकर इसको कॉपी भी कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस भी दबाएंगे तो देखिए यहाँ से जितना एरिया सिलेक्शन हुआ है, देखिए वो एरिया यहाँ पर ही आ गया। देखिए, और फिर इसको कंट्रोल और जेड कॉल दे रहा हूँ, फिर इसी पे आते हैं। तो देखिए ये है, फिर लासो टूल ले रहा हूँ। तो ये न्यू सिलेक्शन था, बेसिकली नॉर्मल सिलेक्शन। अब मैंने आ रहा हूँ एड टू सिलेक्शन। देखिए ये एक सिलेक्शन है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एक और सिलेक्शन लूँ, इस पर क्लिक करूँगा। देखिए ये पहले सा सिलेक्शन है, मैं चाहूँगा इस पर एक और क्लिक करूँगा। देखिए ये पहले हो गया, फिर चाहूँगा तो इस पर क्लिक करूँगा तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नॉर्मल सिलेक्शन सिलेक्टेड है। हम लोगों को एड टू सिलेक्शन पर क्लिक करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद ही यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो आप एक बार में मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप चाह रहे हैं कि जैसे बेसिकली इसको पहले अंडू कर देते हैं, कंट्रोल ऑल्ट जेड के माध्यम से यहाँ से ये अंडू हो गया। सही है फ्रेंड्स, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो एरिया ख़राब हुआ है उसको यहाँ से एड टू सिलेक्शन के माध्यम से काट दूँ। तो उसके लिए यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको गोलाकार बनाएगा
देखिए ये इसमें मिल गया प्लस में इसको इसमें करेंगे तो देखिए ये इसमें मिल गया। देखिए यहाँ से यहाँ का करेंगे तो छोड़ेंगे तो देखिए ये इसमें मिल गया। तो एडिट टू सिलेक्शन है कि इसका मोटो ये है कि आप एक बार में कई कई सिलेक्शन कर सकते हैं बेबे, जैसे कि हमने इस वीडियो में मैंने बताया हमारे टूल में। अब आते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ से लेकर यहाँ से काट दूँ या सीधे सिलेक्शन करूँ, तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ से माउस दबाए हुए यहाँ से यहाँ तक आएंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देंगे। देखिए ये यहाँ से नहीं काटा, मैं जा रहा हूँ फिर यहाँ पर जा रहा हूँ और सेलेक्ट करके यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक ले अपना एरिया ले लिया, फिर यहाँ आप चाहते हैं कि यहाँ के एरिया ले तो यहाँ से आप एरिया इसको दे देंगे, यहाँ से गोलाकार बना देंगे। देखिए यहाँ पर ये ऐसा आ गया, देखिए ये ऐसा आ गया। या आप इस ये बेसिकली एड टू सिलेक्शन था, इसी जैसा रहा है। फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये एरिया कट गया। फिर आप इस एरिया को काटना चाहते हैं, देखिए इस ये एरिया अलग हो गया। देखिए यहाँ से आप इस एरिया को अलग कर सकते हैं, देखिए ये एरिया अलग हो गया। तो ये एरिया आप अलग करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, देखिए ये एरिया अलग हो गया। अब आते हैं इंटरसेक्ट विथ सेलेक्शन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप इसमें देखिएगा कि जो इसमें आप कॉमन है वो सिर्फ रह जाएगा और सब हट जाएगा। इसी में जो कॉमन होगा वह रहेगा और उसमें ये सब हट जाएगा। ठीक है, वैसे आप लासो टूल के बारे में जान गए। अब आते हैं पॉलीगोनल लासो टूल, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी आता है। अभी हम मैंने न्यू सिलेक्शन को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और फिर इसमें आता हूँ। इसमें आने के बाद आप एक बार माउस क्लिक कीजिएगा यहाँ से और जहाँ जहाँ आपको सिलेक्शन करना है वहाँ वहाँ आप इसको बार बार क्लिक करना होगा इस तरह ले जाते हुए। जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे तो वहाँ वहाँ से एक लाइन बनता हुआ चलेगा। देखिए यहाँ जहाँ जहाँ मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वहाँ वहाँ का एरिया सेलेक्ट हो रहा है। देखिए एरिया सेलेक्ट हो रहा है, देखिए आप चाह रहे हो कि एरिया मिल जाए एक में तो यहाँ पर यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे छोटा सा सर्कल के तरह लौकेगा, यहाँ पर आप मिला देंगे तो ये एरिया सिलेक्शन हो जाएगा। आप चाहते हैं कि इसमें इसको पेस्ट करूँ तो आप सबसे पहले कंट्रोल प्लस सी कीजिए, यहाँ पर जाइए कंट्रोल प्लस भी कीजिए। अब यहाँ से आप मूव टूल को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं और इसको इसी से आपको छोटा या बड़ा करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस टी दबाएगा यहाँ से ये कंट्रोल प्लस टी। देखिए यहाँ से ये छोटा या बड़ा करने के लिए यहाँ पर ये आ गया साइजर। देखिए यहाँ से मैंने इसको छोटा या बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर ओके दबाएंगे तो ये उस रूप में ही यहाँ पर ये आ जाएगा। जो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड कर लेता हूँ फिर उसी तरह, तो इसमें भी वही है। यहाँ पे जो फंक्शन है मैंने पॉलीगोनल सेलेक्ट कर दे रहा हूँ तो देखिए उसमें भी यही है, ये भी उसी के तरह ही सिलेक्शन करता है। जैसे मान लीजिए ये अपना सिलेक्टर सेलेक्ट हो गया, आप एड टू सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो ये तो सिलेक्शन रहेगा। फिर आप इस एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं इस तरह से तो आप इस एरिया का भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए ये यहाँ से ये हो गया। अब आते हैं सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन में, इसको आप क्लिक करेंगे आप चाह रहे हैं कि इस एरिया को यहाँ से काट दे। देखिए यहाँ से देखिए ये एरिया यहाँ से अलग हो गया, चाहते हैं कि इस एरिया को अलग कर दूँ। ये देखिए ये एरिया अलग हो गया। अब आते हैं इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन के बारे में, इसको क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से आप मिल जाइएगा यहाँ से, देखिए क्लिक कीजिएगा इसमें जो कॉमन होगा वही बच जाएगा और सब हट जाएगा। तो ये बेसिकली नॉर्मल ही था, ये फोटो को सेलेक्ट करने के लिए आता है सिलेक्शन करने के लिए। अब आते हैं
मैग्नेटिक लासो टूल में के बारे में। अब इसको क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट हो गया। ये बड़ा ही मज़ेदार है, इसमें आप एक बार कहीं पे क्लिक कीजिए और माउस बुखारी इधर उधर लेकर जाइए आपको जहां तक सिलेक्शन करना है, और माउस को एक बटन ना दबाना है या ना दबाए रखना है। यहां से सिर्फ आपको माउस को घुमाना है जहां आज से आपको सिलेक्शन करना है, और यहां आकर यहां से आपको डबल क्लिक कर देना है। अनडू कर रहा हूं तो देखिए ये सिलेक्शन उसी तरह ले रहा है। तो चलिए हम लोग फिर से करते हैं। फिर से करने के लिए आप यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए, उसके बाद इस तरह आप खाली माउस को घुमाइएगा जहाँ तक आपको सिलेक्शन करना है। देखिए मैंने माउस को यहाँ से यहाँ तक ले सेलेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए ये सिलेक्शन हो गया है। उसी तरह इसमें भी है एड टू सिलेक्शन सब्ट्रैक्स। अब इसमें आते हैं विद एन एडज कॉन्ट्रास्ट फ्रिक्वेंसी। ये सब क्या है जो हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इसी का विद कहाँ तक फैलेगा उसमें ये डिफाइन होता है, और इसका एड जो ना ये सेलेक्ट हो रहा है ये कितना परसेंट होगा उसको बताता है। फ्रेंड ये उतना मीनिंगफुल नहीं है बेसिकली, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली चलते हैं एक इस फोटो को बढ़िया सा, इसको पहले हम लोग क्रॉप करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं पॉलीगोनल लासो टूल। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ, और इसको हम लोग इसे कंट्रोल ऑल्ट जेड कर दे रहा हूँ। ये पूरा हट गया। अब इसको मैं अच्छा सा इसको काटूंगा पॉलीगोनल लासो टूल के माध्यम से। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस फोटो को जितना हो सके जूम कर दीजिए तो आपको इसको काटने में अच्छा होगा। तो देखिए इसको आप पहले यहाँ से काटना है वहाँ तक इसको कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ से यहाँ तक आपका एरिया काटना है वहाँ से एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं जल्दी इस एरिया को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखिए एक बात का ध्यान रखेंगे, आप जितना जूम कर इस एरिया को सिलेक्शन करेंगे उतना ही फोटो आपका बढ़िया देखने में लगेगा, और किसी को लगेगा ही नहीं कि यह फ़ोटो कहीं से काटा गया है। सही फ्रेंड्स, उसके बाद मैं स्पेस दबाए रखिएगा और उसके बाद इसे एक क्लिक करके यहाँ पर आइएगा। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन है, फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा। देखिए जल्दबाजी में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप जितना इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इसमें एक्सपीरियंसेस बढ़ेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये सिलेक्शन हो रहा है। देखिए ये हो गया है। आप प्रेस कर रहे हैं, आप जितना जूम कर इसको आप करेंगे उतना ही ये बेटर लुक में लगेगा। देखिए फिर आप स्पेस दबाइए और इसको ऊपर लेकर जाइए। देखिए फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे देखिए सिलेक्शन हो गया, और थोड़ा सा बाकी है यहाँ पर आ गए। फिर आप स्पेस दबाइए और ऊपर कीजिए, बस इतना फोटो है ये। और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया यहाँ पर एक बार क्लिक कर लूँगा। देखिए ये एरिया यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूँ और इसको कंट्रोल प्लस माइनस करूँगा तो ये छोटा होगा, और इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। और यहाँ से इस पेज को ले रहा हूँ और इसमें पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया,
और इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। तो देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया, हम मैंने मूव टूल ले रहा हूँ और इसको इधर उधर करके सेट कर दे रहा हूँ। सेट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस टी दबाएगा तो इसको छोटा या बड़ा करने के लिए आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको ये छोटा या बड़ा करने को मिल जाएगा। अब इसके बैकग्राउंड को बदलते हैं। तो बैकग्राउंड को बदलने के लिए आप अब सबसे अच्छा उपाय है, आप मैजिक टूल को लीजिए और एक बार इस पर क्लिक कीजिए तो जितना वाइट एरिया होगा आपको सेलेक्टर हो जाएगा। और आप पेन बैकर टूल को लेंगे और एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए ये जितना बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड आपका ले लिया। फिर आप जाइएगा सेलेक्ट में और डिसलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ये फ़ोटो आपका बन गया। ये सब जहाँ थोड़ा थोड़ा वाइट ये यहाँ आपको दिख रहा है तो अब ये जितना जूम कर इसको काटेंगे तो आपको नहीं ये सब वाइट बुझाएगा। और ये बेसिकली ये देखिए बन गया। आप यहाँ पर आइए फाइल मेन्यू पर, यहाँ से आप सेव एज कर लीजिए और जेपीईजी एक्सटेंशन में आप इसको सेव कर लीजिए। तो सब फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक, और आगे के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आपके कोई भी कमेंट हो आप तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।